हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तय किया था कि अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस करना और डिफरेंट पहलुओं को देखेंगे। हर एपिसोड में हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स लाए और उस एग्जाम्पल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है और ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं क्रिमिनल्स और उससे कैसे हम लोगों को सावधान रहना है और कैसे हमें बचना है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग डिफरेंट पहलुओं को देखें, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनसे बचना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सावधान रहे तो इससे मतलब कि बच सकते हैं। और होता क्या है कि ये लोग जो क्राइम करते हैं, मेनली ये क्राइम आपके इमोशंस से होता है, और चूंकि इमोशंस से होता है तो इमोशनल बहकर या फिर लालच में आकर आप लोग या हम लोग विक्टिम बनते हैं, और इस वजह से इसमें बचना मुश्किल होता है। अगर हम थोड़ा सा लालच को छोड़ दें और थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट जो होता है कि किसी चीज़ के प्रति, उसे अगर किसी और को ना जानने दें तो हम बच सकते हैं इन साइबर क्रिमिनल्स। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स हैं उनका नाम और कमेंट्स हम लोग अगले वीडियो के एंड में बताएंगे, और ये सीरीज पूरे सीरीज में चलेगी, पूरे एपिसोड्स में चलेगी। हर एपिसोड्स के एंड में पिछले एपिसोड्स के जो कमेंट्स होंगे उनका नाम हम बताएंगे और क्या कमेंट्स हैं उनका वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जो विक्टिम्स बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही हमारे फंसने का कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स दूंगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे पड़ोस में एक आदमी को, मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि विक्टिम तक लोग ना पहुँच पाए, तो उन्हें कोई सामान भेज देना था तो उन्होंने OLX पर भेजा। फिर उन्हें OLX से किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो कस्टमर उनसे बोलता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, प्रोडक्ट मैं बाद में ले जाऊँगा। आप लालच में फंस जाते हैं और जो सेलर्स है वो क्या करता है, बोलता है ठीक है, आप मुझे पैसे गूगल अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दो, गूगल पे पर या फ़ोन पे पर। तो वो बंदा सामने वाले को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है या नहीं करता है, वो कहता है कि ट्रांसफ़र होने में कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है, आप पैसा करो, अपने एंड से 1000 रुपये भेज दो, मैं जब आपको ट्रांसफ़र करूँगा तो आपको ये 1000 भी इंक्लूड कर दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आपको लालच होता है कि मुझे उधर से पैसे मिल ही जाएंगे, 1000 रुपये की बात है, और जब आप 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो जो ठग होता है वो समझ जाता है कि इससे मैं और भी चूना लगा सकता हूँ, बस बातों में उलझाने भर की देर है, और फिर वो आपको बातों में उलझाता है और तब तक या तो आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता या फिर आपके अकाउंट का पर डे ट्रांजेक्शन का लिमिट ख़त्म नहीं हो जाता, वो आपके ट्रांजेक्शन से पैसे एक्सट्रैक्ट करता जाता है और आप जानबूझकर पैसे देते चले जाते हैं बातों में उलझ कर। ये एक स्टोरी थी, रियल टाइम स्टोरी थी। तो यहाँ पर विक्टिम ने क्या किया, विक्टिम को सामान बेचना था और वो लालच में, सामान बेचने के लालच में आकर कि ये महंगे रेट पर मिल रहा है, मुझे इतने पैसे कहीं और से नहीं मिल पाएंगे, जो ठग है, जो क्रिमिनल है, जो साइबर क्रिमिनल है, उसे पैसे ट्रांसफ़र करता चला जाता है और लास्ट में जब तक उसे होश आता है तब तक में उसका अकाउंट खाली हो चुका होता है या फिर उसकी उस दिन के ट्रांजेक्शन की लिमिट ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये एक वे होता है। तो यहाँ पर हमें सावधानी ये बरतनी है कि किसी के पास पैसे पेड़ पर नहीं होते। लोग अगर एक सुई भी खरीदने जाते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि ये सुई मुझे मार्केट से सस्ते में मिले, चाहे दुकानदार को मुनाफा हो या ना हो, कोई भी अपने एक्स्ट्रा पैसे दुकानदार को देना नहीं चाहता है। दुकानदार को पैसे, हाँ, एक केस है जहाँ पर लोग पैसे एक्स्ट्रा देते हैं जानबूझकर, जब वो खाना खाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो जब उन्हें शॉप करना होता है तो जो गार्ड होता है या जो बेरा होता है उसे वो लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जो टिप के नाम पर देते हैं, वो भी वो दुकानदार को नहीं देते हैं, बेरा या कहने का मतलब यह है कि जो हाउस कीपिंग के सर्वेंट होते हैं उनको वो टिप के तौर पर देते हैं कि आपकी सर्विस हमें बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा पैसे अपने तरफ से दे रहा हूँ। तो वो गिफ्ट एक तरह का होता है, इसलिए वहाँ पे एक्सक्यूज है।
अदरवाइज कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देना नहीं चाहता है और एक्स्ट्रा पैसे कहीं भी किसी के भी पास पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो यहाँ पर साइबर क्राइम यहीं से स्टार्ट होता है, जब आपको लगने लगता है कि इस चीज़ के मुझे मार्केट से ज़्यादा पैसे यहाँ से मिल रहे हैं, तो आप उसके लालच में फंसते जाते हैं और सामने वाला आपको एक्सट्रैक्ट करने लगता है, आपको इमोशनली समझ जाता है कि आप किस बात पर उस मतलब कि पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और धीरे धीरे वो आपके अकाउंट को खाली कर देता है। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगले वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूँगा। धन्यवाद।